स्वागत है। आज हम जानेंगे पुलिस मोबाइल लोकेशन कैसे ट्रैक करती है। यह आसान भाषा में जानेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं पुलिस मोबाइल कैसे ट्रैक करती है? आपने अक्सर फिल्म और टीवी में देखा ही होगा कि पुलिस बहुत आसानी से अपराधी को फ़ोन नंबर के जरिए ट्रैक कर लेती है। हालांकि आज के डिजिटल युग में इंटरनेट से कनेक्ट किसी भी डिवाइस की लोकेशन पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट डिवाइस का GPS जरूरत पड़ने पर उसकी लोकेशन भी शेयर करता है। लेकिन अगर आप कीपैड मोबाइल हो और उसमें इंटरनेट और GPS का ऑप्शन ही मौजूद ना हो, तो ऐसे में आपको लोकेशन ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल काम पर होता है। इस काम को सिर्फ पुलिस ही कर सकती है। अगर किसी स्मार्टफोन को ट्रैक करना हो तो उसे इंटरनेट से कनेक्ट होना आवश्यक है, साथ ही उस स्मार्टफोन की लोकेशन भी ऑन रहनी चाहिए। इन दोनों जरिए आम लोगों को भी फ़ोन ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन कीपैड मोबाइल में ना ही इंटरनेट होता है और ना ही GPS होता है, ऐसे में इसे ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसे आम यूजर ट्रैक नहीं कर सकता। ऐसे केस में पुलिस अपराधी मोबाइल में मौजूद सिम नंबर को ट्रैक करती है। हालांकि सिम में अपराधी की सटीक लोकेशन नहीं मिल पाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस मोबाइल फ़ोन नंबर को ट्रैक करने के लिए ट्रायंगुलेशन मेथड का उपयोग करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मोबाइल को ऑन करने के बाद सिम नेटवर्क टावर से कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद पुलिस को सिम की कंपनी की मदद से एक अंदाज़ा मिल जाता है कि अपराधी की सिम किस टावर की रेंज में है। आमतौर पर यह रेंज 2G फ़ोन के लिए अलग, 3G फ़ोन के लिए अलग और 4G के लिए अलग अलग होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर पुलिस को सिम की कंपनी मदद से पता चल गया है कि मोबाइल एक टावर 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यह दूसरी टावर चारों तरफ होती हैं। ऐसे में इनकी और भी सटीक लोकेशन जानने के लिए पुलिस मोबाइल के दूसरे नज़दीकी टावर की जानकारी चाहिए होती है। जब पुलिस को फ़ोन के नज़दीकी 3 टावर की जानकारी मिल जाती है, ऐसे में ट्रायंगुलेशन मेथड काम आता है, जिसकी मदद से अगर आप मोबाइल पहले टावर से 2 किलोमीटर, दूसरे टावर से 3 किलोमीटर और तीसरी टावर से 2.5 किलोमीटर के दूर हैं, तो पुलिस को मोबाइल का एक सटीक एरिया मिल जाता है। इस एरिया में जाकर पुलिस अपराधी की तलाश करती है। अब जानते हैं IMEI नंबर से मोबाइल कैसे ट्रैक करते हैं। जब कभी आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है, तो आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं। रिपोर्ट लिखवाने पर पुलिस आपके मोबाइल का IMEI नंबर अवश्य पूछती है। अगर आपके पास यह नहीं है, तो अधिकारी पुराने सटीक सिम से ही फ़ोन को ट्रैक करती है। लेकिन अगर आपके पास IMEI नंबर है, तो पुलिस उसे निगरानी पर रखती है। IMEI नंबर की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन मोबाइल इक्विवेलेंट आइडेंटिटी होता है। यह एक डिवाइस में अलग अलग होता है, इसे आप डिवाइस की पहचान भी कह सकते हैं। आमतौर पर पुलिस इसका उपयोग डिवाइस को ट्रैक करने के लिए करती है। चोर मोबाइल को चोरी करने के बाद उसने मौजूद सिम को फेंक देते हैं, लेकिन अगर उस फ़ोन में वह जब किसी कोई दूसरी सिम को डालते हैं, तो उसकी जानकारी सिम कंपनी को पता चल जाता है, क्योंकि पहले से सिम कंपनियां को उस IMEI नंबर की निगरानी के लिए कही जाती हैं। ऐसे में जब भी उस IMEI डिवाइस में कोई नई सिम डाली जाती है, तो उसकी जानकारी पुलिस तक पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस ऊपर बताया गया ट्रायंगुलेशन मेथड उपयोग करती है। वैसे
अगर चोर ने कोई स्मार्टफोन चोरी किया है तो उसे ट्रैक करना आसान हो जाता है, क्योंकि स्मार्टफोन इंटरनेट और जीपीएस से कनेक्ट रहता है। तो अब आप जान गए होंगे कि पुलिस मोबाइल ट्रैक कैसे करती है। देखा जाए तो ट्रायंगुलेशन मेथड काफ़ी पुराना सटीक तरीका है। काफ़ी समय से पुलिस इसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, आने वाले समय में आपको इसके लिए और भी एडवांस तरीके देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों, आज की जानकारी के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।